हाय, तो जैन दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। कोई पढ़ाई की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी बच्चों को जो कि अवध विश्वविद्यालय में बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर देने जा रहे हैं। टेंशन फ्री दोस्तों, अभी तो एग्ज़ाम है थोड़ी देर बाद, और कोई टेंशन नहीं क्योंकि बहुत ही अच्छा पेपर होने वाला है आप सबका। इतने दिनों से आप पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वीडियोज़ को देखते रहें, कोई टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छा पेपर होगा। और एट द लास्ट ऑफ द मोमेंट मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप ये नहीं सोचो कि मैंने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा या कौन सा क्वेश्चन झूठा है, सब पढ़ लिया आपने, खत्म करो, किताब को बंद रखो, आराम से चिल रहो, टेंशन फ्री रहो। एग्जाम सेंटर में जाना, जब आपको पेपर मिलेगा तो आप देखोगे वो सामान्य प्रश्न रहेंगे जो आपने वीडियोज़ में देखे थे, तो आसान आसान से प्रश्न आएंगे। बस अब यहाँ से आपको क्या करना है कि कोई भी प्रश्न आए तो आपको जो पता है उससे कैसे लिखना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, पेजेस अच्छे से लिख कर आएंगे, हेडिंग और पॉइंट्स आप अच्छे से पुट करेंगे और उसको एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे, और समय का बिल्कुल ख्याल रखेंगे क्योंकि समय जब कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको पेपर मिलेगा तो याद रखना, ये चेहरा आपको याद आएगा कि हाँ सर ने ये सारे टॉपिक्स बताए थे, पूरे एक साल से, 6 महीने से, 3 महीने से हम लोग जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं वीडियो, और आज बस आपका ही इम्तहान नहीं, मेरा भी इम्तहान है कि आप पेपर देने जाएंगे तो आपको कैसा पेपर मिलेगा और उसमें कैसे प्रश्न आएंगे। आसान से प्रश्न आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका सब्जेक्ट क्या है? एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट स्टडीज़, प्रशासन प्रबंधन और पर्यावरण शिक्षा। तो इसी तीनों से तो प्रश्न पूछेंगे, प्रशासन प्रबंधन, अब कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लेंगे, इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो डरे नहीं, घबराए नहीं, आपने कितना पढ़ा कितना नहीं, डजंट मैटर, ठीक है। आप जाइए, आपको जो भी पता है, जो भी समझ में आता है सामान्य चीज़ें, बस पेपर्स में लिख के आइए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पेपर दे के आइए, फिर जब आपके पेपर्स आएंगे मुझे व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप जिनके पास नंबर है व्हाट्सअप करिए, अदरवाइज टेलीग्राम में देखिए ताकि मैं भी देखूं कि कौन सा क्वेश्चन आया है। और जैसे ही आपका पेपर मुझे मिलता है हम उस पर रिव्यू करेंगे और बातें करेंगे, और हो सके तो आज रात को 9 बजे, हाँ आज रात को 9 बजे हम लाइव आएंगे और फिर उस पेपर पर चर्चा करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जब जैसे ही पेपर पढ़ेंगे आपके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आएगी, वाह ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और उसके बाद बस शुरू हो जाइएगा, करना शुरू कर दीजिएगा। टाइम मत लीजिएगा स्टार्ट करने से पहले, पेपर एक बार थॉरली देख गो थ्रू होने के बाद बस स्टार्ट कर दीजिएगा, और किसी से बातें नहीं, ना किसी से पूछने की कोशिश करिए, ना किसी को बताने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको खुद बहुत ज़्यादा लिखना है। बी कॉपी नहीं मिलता है, सेकेंडरी के बच्चे तो अच्छे से जानते हैं, जितने पेजेस मिले हैं आपको उसी में लिखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लिख के आ जाइए, क्योंकि आपके पेपर पढ़ने के बाद जब एग्जामिनर चेक करेगा ना, तो उसको ये नहीं पता कि आपने 3 दिन पढ़ाई की है, 6 महीने पढ़ाई की है, 1 साल पढ़ाई की है, वो बस ये देखेगा कि लिखा है, हाँ चलो भैया मार्क्स ले लो, तो बस जाओ मार्क्स बिटोर के आओ, लिख के आओ अच्छे से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से, जय हिंद जय भारत, वापस आइए फिर हम मिलते हैं, ओके बाय बाय।